सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो क्लास है, आज का क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक पंप के ऊपर जो एनिमेशन, लाइक ये तुम लोगों का रिक्वेस्ट में ये क्लास अरेंज कर रहा हूं मैं। मंडे से हम लोग डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व जो हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स का जो और एक जो पार्ट है, जो मेरा डीसीवी है, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व, ये सब हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन आज का क्लास में हम लोग देखेंगे जो भी हम लोग पंप्स के बारे में पढ़ के आए, लाइक वेन पंप पढ़े, गियर पंप पढ़े है, एक्सटर्नल गियर पंप पढ़े, इंटरनल गियर पंप पढ़े है, लोब पंप पढ़े है, जीरो टोर पंप पढ़े है, स्क्रू पंप पढ़े है, पिस्टन पंप पढ़े है, तो क्लास के टाइम कुछ कुछ का टाइम पे एनिमेशन वीडियो दिखाया गया था, कुछ कुछ पंप का वीडियो नहीं दिखाया गया था। तो आज का क्लास में वन बाय वन ये सारा वीडियोस को दिखाया जाएगा। और हाइड्रोलिक पंप का सिंबल्स होता है, सिंबल्स ऑफ द हाइड्रोलिक पंप, ठीक है। ये क्लास खत्म होने के बाद वो जो हाइड्रोलिक पंप का सिंबल्स का जो नोट्स है वो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। बेसिकली सेमिस्टर एग्जामिनेशन में इसका क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं थोड़ा सा मैं तुम लोगों को बोल दे रहा हूँ कैसे। कि मान लो एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया है कि डिस्क्राइब द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, क्लासिफाई द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप एंड प्लीज ब्रीफ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द एक्सटर्नल गियर पंप विद सिंबल। ब्रीफ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द एक्सटर्नल गियर पंप विद सिंबल। जब भी विद सिंबल बोल दिया जाएगा, कुछ नहीं करना है, क्योंकि तुमको जब वर्किंग प्रिंसिपल को लिखना है उस टाइम तुम लोग, तुमको तो ऑलरेडी एक्सटर्नल गियर पंप का एक स्कीमेटिक डायग्राम तुमको ड्रॉ करना है ये सेमिस्टर क्वेश्चन, सेमिस्टर का आंसर कॉपी में। तो वो जहां पे तुम एक्सटर्नल गियर पंप का ड्रॉइंग कर रहे होगे, स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करोगे, उसके साइड में एक हाइड्रोलिक जो एक्सटर्नल गियर पंप का जो सिंबल है उसको छोटा करके ड्रॉ कर देना है, बस विद सिंबल। मतलब तुमको जानना चाह रहा है कि एक्सटर्नल गियर पंप का सिंबल क्या है, why this symbol is required for you and why these symbols are used in the practical application, because ye use isliye hota hai, maan ke chalo ek ek aisa plant hai jahan pe us plant ka 70% machinery is hydraulic se chal raha hai, dhyan dena is baat, maan ke chalo ek mera plant hai, us plant ka 70% machinery is hydraulic oil se operate hota hai, to jab 70% machinery is hydraulic ऑयल से ऑपरेट होता है तो ऑब्वियसली देयर शुड बी सम लेआउट, क्योंकि हाइड्रोलिक ऑयल को मुझे जहां पे, हाइड्रोलिक ऑयल से मुझे जहां पे काम करवाना है या हाइड्रोलिक ऑयल से जहां पे मुझे ऑपरेट करना है, इसका मतलब है मुझे वहां पे एक मोटर को यूज करना पड़ेगा, एक पंप को यूज करना पड़ेगा, एक डीसीवी यूज करना पड़ेगा, पीआरबी यूज करना पड़ेगा, एफसीवी यूज करना पड़ेगा। डीसीवी फॉर डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, पीआरबी मतलब प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व, एफसीवी मतलब फ्लो कंट्रोल वाल्व, साथ में मुझे एक्चुएटर यूज करना पड़ेगा। तो एक बेसिकली लेआउट सिस्टम, तो 70% मशीनरीज जहां पे हाइड्रोलिक के थ्रू से ऑपरेट हो रहा है, मान के चलते हैं कि एग्जांपल पावर प्लांट, उस जो प्लांट है वो प्लांट में टोटल 10 मशीन है, एग्जांपल ले रहा हूँ, तो प्लांट में जब 10 मशीन है तो वो 10 मशीन में मान के चलते मेरा 7 या 8 मशीन मेरा हाइड्रोलिक सिस्टम से ऑपरेटेड, तो ये 10-8 मशीन के लिए क्या अलग 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 लेआउट बनेगा या एक ही सिंगल लेआउट में काम होगा, या ये 8 सिस्टम के लिए, मेरा ये क्वेश्चन है तुम लोगों के सामने, तुम लोग ध्यान से सुनना और उसके बाद आंसर करना। 10 मशीन है, 10 मशीन में 8 मशीन जो है वो 8 मशीन हम लोग का क्या है, हाइड्रोलिक से ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो जब 8 मशीन को हम लोग हाइड्रोलिक से ऑपरेट कर रहे हैं, 8 मशीन को जब हम लोग हाइड्रोलिक से ऑपरेट करते हैं, तो उसके लिए वो 8 मशीन के लिए क्या 8 को अलग अलग लेआउट होगा या एक कॉमन लेआउट होगा, और उस कॉमन लेआउट में हम लोग जितना 8 को मशीनरीज का पंप, 8 को मशीनरीज में जो डीसीवी यूज कर रहा है, एफसीवी यूज कर रहे, पीआरबी यूज कर रहे, ये सारा चीज को एक साथ दिखा सकते। पहला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर चाहिए क्या हो, क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर कॉमन, एक ही बनाएगा सर, एक ही बनाएगा, कॉमन लेआउट होगा, कॉमन लेआउट, ओके। कॉमन लेआउट जब होगा, जब मेरा कॉमन लेआउट होगा, तो दिनेश कुछ बोलना है, अनम्यूट कर दिए तुम ना सर। तो कॉमन जब होगा, तो कॉमन जब होगा तो उस टाइम हम लोग का क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, या किस तरीके से हम लोग, क्योंकि हम लोग जब एक इंजीनियर के सामने जब हम लोग एक लेआउट पेश करेंगे, एक इंजीनियर के सामने जब हम लेआउट पेश करेंगे,
कि इस लेआउट में मेरा मशीनरीज को इंस्टॉल करना है, क्योंकि एक सिविल इंजीनियर जब मेरा मशीन को इंस्टॉल करेगा या एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जब मेरा मशीन को इलेक्ट्रिकली कनेक्शन देगा या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो मेरा कंट्रोल बोर्ड पैनल बोर्ड को प्रिपेयर करेगा, तो उसको मुझे लेआउट दिखाना है, क्योंकि विदाउट लेआउट एनी नो इंजीनियर कैन डू दिस। तो उसको लेआउट चाहिए। तो लेआउट के टाइम पे क्या होता है कि लेआउट के टाइम पे हम लोग क्या एक्सटर्नल गियर पंप का ऐसे स्कीमेटिक डायग्राम दिखाएंगे? नहीं ना, क्योंकि तब लेआउट तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मान के चलो कि 8 गो सिस्टम के लिए मुझे 8 गो पंप तो यूज करना पड़ रहा है, या मे बी 6 गो पंप से मैं काम चला रहा हूँ, तो मैं क्या लेआउट में उतना पंप का स्कीमेटिक डायग्राम दिखाऊंगा, मोटर का स्कीमेटिक डायग्राम दिखाऊंगा, डीसीबी का स्कीमेटिक डायग्राम दिखाऊंगा? ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए जितना जितना पंप हम लोग यूज करते हैं उतना उतना पंप का सिर्फ सिंबल ड्रॉ कर देते हैं। जितना जितना पंप हम लोग यूज करते हैं उतना उतना पंप का सिर्फ एक सिंबल ड्रॉ कर देते हैं, और वो सिंबल देख के बाकी जो इंजीनियर्स है जिसको हम लोग लेआउट दिखा रहे हैं वो इंजीनियर्स को पता चलता है, अच्छा ये है मेरा प्लांट का राइट नॉर्थ ईस्ट पार्ट, प्लांट का नॉर्थ ईस्ट पार्ट में मेरा इस पोजीशन में मेरा ये एक्सटर्नल गियर अप्लाई होगा, मतलब मुझे वहां पे एक्सटर्नल गियर को फिट करना है, पंप को फिट करना है, फिर दूसरा जगह में ये पंप फिट करना है। तो उन लोगों को स्कीमेटिक डायग्राम का जरूरत नहीं पड़ता है, वो लोग सिंबल से पहचान लेता है कि ये सिंबल मतलब मुझे कौन सा गियर पंप इस्तेमाल करना पड़ता है। जहां पे डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है डीसीबी, तो डीसीबी के लिए हम लोग क्या दिखा देते हैं, डीसीबी के लिए एक सिंबल दिखा देते जिसमें कुछ इस तरीके का कनेक्शन किया हुआ है 1 और 2, ये देख के पता चल जाता है अच्छा यहाँ पे मेरा एक डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है जो मेरा फ्लूइड का फ्लो को कंट्रोल कर रहा है, फ्लूइड कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, नंबर 1 मशीन की तरफ जाएगा, नंबर 2 मशीन की तरफ जाएगा, नंबर 3 मशीन की तरफ जाएगा। इस तरीके से एक पावर प्लांट में लेआउट बनता है जिस लेआउट में हम लोग ज्यादातर सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू सी अ लेआउट ऑफ एनी प्लांट और ऑफ एनी हाइड्रोलिक सिस्टम, सो यू कैन सी दैट फ्रॉम द नेट आल्सो, ओके। और या तो तुम लोग जहाँ पे ट्रेनिंग करने गए तो अगर वहां पे भी तुम लोग अगर पूछते कि सर व्हाट आर द लेआउट ऑफ दिस पावर प्लांट, तो वो भी तुमको दिखा देता, ठीक है। तो अगर बट तुमको उस टाइम नॉलेज नहीं था इसलिए तुम लोग पूछे नहीं है, ठीक है, नॉलेज नहीं था इसलिए तुम लोग वो पूछे नहीं, लेकिन अगर नॉलेज है तो पूछ लेते हैं, हम जानते हैं। लेकिन लेआउट जो होता है वो लेआउट हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, वो लेआउट जो हम लोग बनाते हैं वो लेआउट हम लोग डिपेंड्स ऑन द सिंबल, मोटर सिंबल होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ मोटर यूज हो सकता है, ओके। एक सेकेंड, वेरियस टाइप्स ऑफ मोटर होता है, एक्चुएटर वेरियस टाइप्स ऑफ एक्चुएटर होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ वाल्व यूज होता है। तो लेआउट में हर किसी का स्कीमेटिक डायग्राम देखने का जरूरत नहीं पड़ता है या दिखाने का जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ सिंबल से पहचाना जाता है कि ये सिंबल मतलब यहाँ पे कौन सा पंप यूज कर रहे या क्या मोटर यूज कर रहे या क्या वाल्व यूज कर रहे, ठीक है। सो आज का क्लास बेसिकली हम लोग एनिमेशन वीडियो स्टडी करेंगे 1 by 1, जो अभी तक पंप हम लोग स्टडी किए उसके ऊपर हम लोग एनिमेशन वीडियो स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, ओके। So, first of all, this is the animation video of the rotary vane pump, जो हम लोग पहला दिन स्टडी किए थे रोटरी वेन पंप। तो रोटरी वेन पंप में किस तरीके से काम करता है ये वीडियो इसके पहले भी तुम लोगों को दिखाया गया था, बट आज का क्लास में एक सीरियल वाइज हम लोग सारा पंप्स का एनिमेशन वीडियो स्टडी करेंगे। सो तुम लोगों को ये वीडियो क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये वीडियो क्लियरली दिखाई दे रहा है? यस सर, यस सर। सो प्लीज लेट्स स्टार्ट, प्लीज जस्ट वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर फोकस करना, ठीक है, कि किस तरीके से काम करना है। Rotary vane pump is a positive displacement pump that consists of vanes mounted to a rotor. The vanes are on an off-center drive shaft. As the shaft rotates, the variable length vanes slide in and out to maintain contact with the pump housing. The tension in the vanes is maintained by either springs or hydraulic pressure. As the vanes rotate, they create chambers of varying sizes within the pump. Yeah, यहाँ पे देखना है ये जो vane pump का मैंने पहले ही बताया था कि जो vane pump का जो circular ring होता है
जिसके साथ मेरा वेन अटैच होता है, और जो मेरा जो वेन चेम्बर का जो मेरा सेंटर एक्सिस होता है, तो वो दोनों इसेंट्रिक होता है, राइट, कंसेंट्रिक नहीं होता है, इसेंट्रिक होता है। और इसेंट्रिक होता है इसीलिए इसका जो मूवमेंट होगा ये एक ही सेंटर को, सेंटर एक्सिस को मेंटेन करके इसका मूवमेंट नहीं होगा, ये दोनों अलग अलग सेंटर के बेसिस में ये रोटेट कर रहा है। और यहाँ पे ध्यान देना की जो लेफ्ट साइड और राइट साइड, जहां से फ्लूइड एंट्री हो रहा है और जहां से फ्लूइड मेरा डिस्चार्ज हो रहा है, लेफ्ट साइड में मेरा क्या है, जो स्प्रिंग, देखो यहाँ पे जो ब्राउन कलर में जो दिखाया गया है वो मेरा स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग जब मेरा सर्कुलर रिंग रोटेट करता है, इसेंट्रिक है, तो रोटेट करने की वजह से ये स्प्रिंग सेंट्रीफ्यूगल मोशन गेन करता है, जिसके वजह से ये स्प्रिंग क्या होता है, एक्सपेंशन होने का कोशिश करता है। जहां पे सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ता है वहां पे स्प्रिंग का एक्सपेंशन सबसे ज्यादा होगा, और जहां पे कम डिस्प्लेसमेंट कट करना पड़ता है, मतलब कम डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट करना पड़ता है वेन को, वहां पे स्प्रिंग का एक्सपेंशन सबसे कम होगा। ओके, सो लेट्स सी। फ्लूइड एंटर्स एट द लार्जेस्ट चेंबर। As the veins rotate and retract, the chambers get smaller, forcing fluid to exit through the discharge port. The advantages of vein pumps are that they can handle low viscosity fluids at relatively higher pressures, can dry run for short periods, and develop a good vacuum. Their disadvantages include complexity and their unsuitability for both high pressure and high viscosity fluids. So this is the rotary vein pump working principle. Okay, so now I am coming to the next, is the external gear pump working animation with details. Okay. External gear pump uses two gears rotating against each other to provide fluid movement. One gear is driven by a motor connected to a shaft. This is called the drive gear because it is driven by a motor, and it in turn meshes with and drives the movement of the second gear. As the gears rotate away from each other and come out of mesh, they create an expanding volume on the inlet side of the pump. This creates a vacuum at the inlet port, allowing fluid to flow into the pump. Then fluid flows into the cavities and is trapped by the gear teeth. As the gears rotate, a flow path is created around the outside of each one. Fluid trapped in the slots between teeth is carried around and discharged into the cavity with the outlet port. Meshing of the teeth in the center of the pump seals the outlet port from the inlet port. No fluid passes between the gears. The advantages of external gear pumps are their high speed and pressure, relatively quiet operation, and that their design accommodates a wide variety of materials. Disadvantages include bushings in the liquid area can become worn, and that they have fixed end clearances. Okay, so this was the working animation of external gear pump. Now we will see the internal gear pump working animation. Internal gear pumps are exceptionally versatile. This type of pump has one inner gear, which is inside a second outer gear. The inner gear has a shaft driven by a motor and has teeth that protrude outward. The outer gear has teeth that protrude inward toward the center of the pump. As the inner gear rotates, it meshes with and moves the outer gear. Liquid is trapped in the gear spaces and carried from the inlet to the discharge. A stationary crescent-shaped divider separates the intake and discharge portions of the fluid. Advantages of internal gear pump. यहाँ पे जो देखो इस half circle quarter circle type का एक arc shape का रखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग crescent shape separator बोलते हैं, ठीक है। इंटरनल गियर पंप का जो मेरा लेक्चर है, राइट, वो लेक्चर को, ये जो गियर पंप का जो वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हो, वो वाला वीडियो को अगर स्टडी करोगे, जो लोग मेरा वीडियो को सब्सक्राइब किए हो, तो उन लोगों के पास मैं जो भी वीडियोस अपलोड करता हूँ, स्टडी मटेरियल अपलोड करता हूँ, वो
उन लोगों के पास चल जाता है, या तो मेरा नाम सर्च करके वहां पे अगर कोई भी इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर रिलेटेड, हाइड्रोलिक पंप रिलेटेड या डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व रिलेटेड कोई भी टॉपिक को अगर सर्च करोगे तो तुमको वो टॉपिक रिलेटेड स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो इंटरनल गियर पंप रिलेटेड अगर स्टडी मटेरियल तुम लोगों को ढूंढना है तो मेरा नाम का जो यूट्यूब प्रोफाइल में जाओ, वहां पे सर्च करो इंटरनल गियर पंप, तुमको मिल जाएगा और उसके बारे में अच्छे से स्टडी करो। फिलहाल एनिमेशन वीडियो पंप्स आर अ स्मूथ एंड ऑलमोस्ट पल्सलेस फ्लो and slightly more horsepower for its size. Disadvantages are its higher cost, limited size range, low to moderate pressure ratings, and few sources of manufacture. So this was the internal gear pump working animation. Now I will show Grammarly you, is your personal rating. How the low pump will work. One of the most common pump types in the food and pharmaceutical industry is the rotary lobe pump. Viking's line of hygienic pumps by RightFlow Technologies includes lobe pumps with model sizes and designs to cover a wide range of pumping applications and hygienic requirements. Lobe pumps are similar in pumping action to external gear pumps, but differ in that the rotors are driven independently on two rotating shafts. A pair of external timing gears ensure that the rotors do not contact. As the rotors turn, a cavity is formed at the inlet side of the pump. This creates a vacuum to pull the liquid into the spaces between the tips of the lobes. This liquid is trapped between these lobes and the close-fitting casing wall. The rotation of the rotors carries the liquid around to the outlet side of the pump. The liquid does not pass between the rotors. At the outlet, the meshing of the lobes forces the liquid through the outlet port. Because of the large pumping cavities and non-contacting design, these pumps are ideal for the gentle handling of both thin and viscous liquids and liquids containing large solids. They are designed to be easily cleaned, making them ideal for applications requiring sanitary construction and frequent cleaning. तो ये जो लोब पंप है, ये लोब पंप कहाँ पे हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, ये लोब पंप हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, सैनिटरी क्लीनिंग के पर्पस में हम लोग यूज करते हैं। तो ये लोब पंप हम लोग बेसिकली नॉर्मल पावर प्लांट या नॉर्मल जहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम का एप्लीकेशन है वहां पे हम लोग यूज नहीं करते, यूज करते फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जहाँ पे मेडिसिन प्रिपेयर होता है, राइट। तो वो सब इंडस्ट्री में हम लोग ये लोब पंप को यूज करते हैं, क्योंकि लोब पंप जब हम पढ़ाए थे तो वहां पे उस टाइम एक चीज हम लोग बताए थे कि ये लोब पंप क्या है, कि एयर लिक्विड लो प्रेशर एंड हायर फ्लो रेट के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये जो लोब पंप है, ये लोब पंप को हम लोग लो प्रेशर और हायर फ्लो रेट जहां पे हम लोग को जरूरत होता है वहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी लोब पंप में पंप होने के बाद हम लोग अभी देखेंगे जीरो डोर पंप। जीरो डोर पंप वर्किंग एनिमेशन। Hi guys, with the help of this animation, let's learn how an internal gear pump works. So as you can see on the screen, we have an internal gear pump and you can see the animation. So we'll go into detail, we'll identify each and every component and we'll explain how it actually works. So that's the suction port over there, marked in light blue color. Then we have the delivery in pink. The orange is the external gear, which is a stationary gear. Then in ash, in the center, we have the internal gear or the driving gear, which actually rotates. So you can see that the suction is happening, as shown the arrow. The oil enters the port between the external and the internal gears and trapped between the ports. And as the internal gear rotates, the oil further travels through the gap and it is trapped between the gears and pushed outside like this. So we can see it once again. So the oil has been trapped. There we create a pressure as the gear rotates and it's been pushed out through the delivery. Let's have a closer look once again. That's our suction port. The oil enters and trapped between the internal and the external gears, and it's been carried through the gap between the gears and finally pushed out through the delivery. So that's how an internal gear simply works. I believe you understand how it's the working. So for more updates, you can subscribe to us by clicking the subscribe button. You can visit our website, that's howmachineworks.com. Please feel free to click the like button or do drop a comment to motivate us and keep us going. This was the zero-tone pump.
जीरोटोर पंप में क्या होता है कि एक इंटरनल गियर रहता है और एक एक्सटर्नल गियर रहता है। जो मेरा इंटरनल गियर रहता है वो मेरा क्या है कि वो ड्राइव शाफ्ट के साथ कनेक्टेड रहता है। एज इट इज ड्राइव शाफ्ट के साथ कनेक्टेड रहता है तो इसकी वजह से मेरा क्या होता है कि जब मेरा ड्राइव शाफ्ट रोटेट करता है तो इंटरनल गियर रोटेट करता है, और जो मेरा इंटरनल गियर रोटेट करता है वो जो एक्सटर्नल गियर के साथ जो इंटरनल गियर मेरा अटैच था वो एक्सटर्नल गियर को भी रोटेट करता है, जिसकी वजह से सक्शन क्रिएट होता है, और सक्शन क्रिएट होने के बाद जो मेरा फ्लूइड एंट्री करता है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके वेलोसिटी क्रिएट करके उसको डिस्चार्ज पोर्ट से वो डिलीवरी कर देता है। ठीक है, तो अभी हम लोग आएंगे जीरोटोर पंप के बाद। सर वहाँ इंटरनल गियर क्यों लिखा हुआ है? सर वहाँ पे इंटरनल गियर इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो जीरोटोर पंप का अगर कंस्ट्रक्शन देखोगे, ठीक है ध्यान से देखना, ये कंस्ट्रक्शन जीरोटोर पंप देखो, अब तुम देखो तुम्हारे सामने जो दो गियर रखा हुआ है, ठीक है देखो जो ये जो गियर ये वाला पार्ट मेरा कार्सर तुमको दिखाई दे रहा है जहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ कार्सर को? यस सर। ओके, यहाँ पे तुम देखो यहाँ पे जो अंदर वाला जो गियर है ये अंदर वाला गियर का कितना टीथ है, 1 2 3 4, लेकिन बाहर वाला गियर का कितना टीथ बना हुआ है जो मेरा क्या बोलते उसको ब्लैक प्लेस जो मेरा है राइट वो कितना बना हुआ है 1 2 3 4 5, ये मेरा 5 है ये मेरा 4 है। तो बेसिकली इसको इंटरनल गियर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये जो मेरा गियर है ये गियर एक दूसरा गियर के साथ सेटअप होकर रहता है, दूसरा गियर के अंदर रहता है। तो जो मेरा ड्राइव शाफ्ट होता है वो ड्राइव शाफ्ट ये मेरा अंदर वाला गियर के साथ कनेक्ट रहता है। तो वो शाफ्ट जब मोटर जब रोटेट करता है वो शाफ्ट रोटेट करता है, वो शाफ्ट जब रोटेट करता है तब ये वाला पार्ट रोटेट करता है, और ये वाला पार्ट जब रोटेट करता है देखो इस बड़ा वाला गियर के साथ अंदर वाला गियर का जो टीथ का मेसिंग है उस मेसिंग की वजह से जब ये गियर रोटेट करता है ड्राइव शाफ्ट वाला गियर जब रोटेट करता है तब ये मेरा रोटेट करता है, इसीलिए इसको इंटरनल बोला गया। हमें क्लियर विकाश? यस सर। ओके, देख लो फिर डिस्प्लेसमेंट पंप वाइडली यूज्ड थ्रू आउट वेरियस इंडस्ट्रीज एलिगेंटली सिंपल इन डिजाइन। A gyrotor consists of only two components, an inner rotor and an outer rotor. The outer rotor has at least one more cog than the inner rotor and has its center line positioned at a fixed eccentricity from the center line of the inner rotor and shaft. As the rotors rotate about their respective axes, the spaces where their cogs would mesh continuously increase and decrease. As the space increases, a vacuum is formed, drawing in fluid to a maximum volume. The rotation continues, and देखो यहाँ पे जो दिखाया गया ना, ये देखो ये है मेरा क्रिसेंट शेप सेपरेटर। ये क्रिसेंट शेप सेपरेटर क्यों दिया गया है मैं क्लास में भी बताया था अभी बोल दे रहा हूँ। देखो ये जो मेरा इंटरनल जीरो टोर है जो मेरा 1 2 3 4 5 फाइव टीथ वाला जो इंटरनल जीरो टोर है, ये फाइव टीथ वाला इंटरनल जीरो टोर में जो आउटर जीरो टोर के साथ सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहाँ पे है, ये अपर वाला पोर्शन में ऊपर वाला पोर्शन में या नीचे वाला पोर्शन में? कौन सा पोर्शन? नीचे वाला पोर्शन में। तो नीचे वाला पोर्शन में सबसे ज्यादा गैप हो गया है। अगर मान लो ये क्रिसेंट शेप सेपरेटर मेरे पास अगर नहीं रहता तो मेरा नीचे वाला पोर्शन में सबसे ज्यादा गैप है, तो ये गैप के वजह से यहां से जो फ्लूइड पास कर रहा है यहां से इंटर इनलेट पोर्ट से फ्लूइड मेरा इनलेट हुआ यहां से पास करेगा, जो यहां से पास करेगा तो उसके ऊपर वो प्रेशर जनरेट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे तो कोई क्या बोलते हैं वो जो पंपिंग जो एक्शन जिसको हम लोग बोल रहे हैं इतना दिन से वो पंपिंग एक्शन तो नहीं होगा, वो क्या होगा डायरेक्टली इनलेट पोर्ट से आएगा सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड डायरेक्टली यहाँ से जाके यहाँ से निकल जाएगा राउ डिलीवरी पोर्ट से बाहर चल जाएगा। तो इसके लिए इसीलिए यहाँ पे क्रिसेंट शेप सेपरेटर रखा गया है जो क्या कर रहा है जो मेरा आउटर गियर से आउटर जीरो टोर से इनर जीरो टोर के बीच एक सेपरेशन पैदा किया है सेपरेशन जनरेट किया है, और इसके वजह से जो लिक्विड यहाँ पे है ये जो लिक्विड देखो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इसके अंदर प्रेशर जनरेट होगा क्योंकि एरिया मेरा क्या हो गया एरिया मेरा कम हो गया, एरिया जब कम हो जाएगा प्रेशर मेरा बढ़ जाएगा, फिर जब वो यहाँ पे आके फिर जब यहाँ से पास करने का कोशिश करेगा सेम चीज हैपन होगा एरिया कम हो जा रहा है तो मेरा प्रेशर बढ़ जाएगा, और जो लिक्विड यहाँ से आ रहा है वो तो गियर का टीथ के वजह से एरिया कम होने की वजह से प्रेशर जनरेट हो जा रहा है। तो इसीलिए ये क्रिसेंट शेप सेपरेटर को हम लोग यूज करते हैं ताकि जहां पे सबसे ज्यादा गैप हो रहा है दोनों गियर के बीच वो गैप को रिड्यूस करने के। हमें क्लियर? यस सर। ब्रश उसको बढ़ा भी तो सकते हैं सर, इसको अगर मैं बढ़ाऊंगा मान के चलते अगर हम लोग इसको इस तरीके का शेप में रखूंगा ठीक है
इस तरीके का शेप में रखूंगा। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है ना, अगर मैं पूरा इस तरीके का शेप में रखूंगा, देखो इस ये जो मेरा शेप है, इस शेप में ये गियर और ये तीत, सॉरी ये तीत और ये तीत, ये जो तीनों तीत के बीच मतलब कम एरिया जनरेट करना। लेकिन जब इसको अगर यहां से लेकर इस तरीके से बढ़ाऊंगा, क्योंकि इसको तो हम सीधा बढ़ा नहीं पाएंगे, तो इसके साथ वो मेस कर जाएगा। तो इसको अगर मैं इस तरीके का बढ़ाऊंगा, मतलब सीधा करके बढ़ाऊंगा, तो फिर यहाँ पे गैप जनरेट हो जाता है। तो इसीलिए इसको जो मेरा गियर का जो चेंबर, मतलब जो गियर का जो हाउसिंग चेंबर का जो डायमीटर है, उस हाउसिंग चेंबर का डायमीटर का एक जैक के बराबर होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हमको अभी याद नहीं आ रहा है, बट इसको वन आर्क, एक सर्कल को अगर आर्क पोर्शन में काटेंगे तो वो जिस शेप का होता है, तो ये हाउसिंग चेंबर का एक सिंगल आर्क पोर्शन में ये सेपरेटर को लिया जाता है फॉर द बेस्ट आउटपुट। अगर इसको बड़ा करेंगे तो भी मेरा उस जो आउटपुट अभी मिल रहा है उससे कम हो जाएगा, अगर इसको छोटा करेंगे तो भी मेरा आउटपुट कम हो जाएगा। तो इसीलिए ज्यादातर ये क्रिसेंट सेपरेटर को इस तरीके से बनाया जाता है ताकि वो मैक्सिमम दो गियर का तीत को कवर करे, राइट। तीन गियर का तीत नहीं, अगर इस यहाँ पे एक दो तीन चार छह है, अगर यहाँ पे सात रहता तो यहाँ पे वो मैक्सिमम तीन गियर को कवर करता, लेकिन अगर छह है तो इस यहाँ पे मैक्सिमम दो गियर का तीत को फुल्ली कवर कर रहा है, लेकिन ये वाला तीत को फुल्ली कवर नहीं कर रहा है। ठीक है सर। ओके यस सर। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं। एंड द फ्लूइड इज कंप्रेस्ड एंड डिस्प्लेस्ड। This process occurs continuously between each cog, providing a smooth pumping action. Invented by Myron F. Hill, the gyrotor was first manufactured in the 1920s by the W.H. Nichols Company in Waltham. Hill worked in partnership with Nichols, who had developed the first equipment capable of producing the gyrotor's precise and complex shape. इसको हम लोग क्या डायग्राम बोलते हैं? कोई स्टूडेंट मुझे बताओगे? स्क्रीनशॉट थोड़ा भेज देना, विकास थोड़ा स्क्रीनशॉट। अच्छा, इसको हम लोग क्या डायग्राम बोलते हैं? रत्न सर तो तुम लोगों को सिखाया है, क्या डायग्राम बनता है बोलते हैं इसको हम लोग? जो जो शीट में, जो ड्राइंग शीट में एक मशीन का सारा कंपोनेंट्स का डायमेंशन के साथ और उसका प्रॉपर व्यू के साथ दिया जाता है, उसको हम लोग क्या ड्रॉइंग बोलते हैं या क्या डायग्राम बोलते? बोलो, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में सिखाया गया था। बोलो, इसको डिसेंबल करके बनाते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये रत्न सर का सब्जेक्ट है, रत्न सर के लिए छोड़ दे रहा हूं, रत्न सर को पूछ लेना, ठीक है? ये जो डायग्राम, बेसिकली कोई भी मशीन को जब कोई भी डिजाइन आरएनडी सेक्शन में जब मशीन को डिजाइन प्रिपेयर किया जाता है या मशीन का कोई भी कंपोनेंट्स का डिजाइन प्रिपेयर किया जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट यूज्ड द कंप्यूटर और ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, नो प्रोई सॉफ्टवेयर और कैटिया सॉफ्टवेयर, दे हैव जस्ट ओनली यूज्ड द ड्रॉइंग शीट। And for that case, ki every engineer have to learn the engineering drawing subject in their first semester, second semester, and third semester. B.Tech mein bhi same, diploma mein bhi same. Isiliye banaya jata hai ki koi bhi design engineer agar R&D section mein jata hai, to uska drawing ka haath bahut acha hona chahiye. ठीक है, तो कोई भी R&D section में पहले drawing sheet में काम किया जाता है, assemble drawing sheet, assemble component parts drawing sheet. Basically इस तरीके का कुछ इस drawing sheet को बोला जाता है। और ये बेसिकली जो ड्राइंग शीट बनता है, ये ड्राइंग शीट ऑथराइज्ड होता है कंपनी के नाम से, ऑथराइज्ड होता है। तुम लोग देखोगे ध्यान से, देखो यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है निकोल्स बोलकर, NICHOLS, निकोल्स बोलकर, तो ये कंपनी का ऑथराइज्ड ड्राइंग शीट होता है, क्योंकि इसमें जो ड्राइंग बनता है ये ड्राइंग शीट कॉन्फिडेंशियल होता है इन टू विद द कंपनी मैनेजर और द एम्प्लॉय, ये कॉन्फिडेंशियल रहता है, बाहर कहीं पे पब्लिश नहीं होता। अगर बाहर हो जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, जो कंपनी का जो पॉलिसी के हिसाब से ये इलीगल केस हो जाता है, ठीक है? तो इसीलिए जो भी कंपनी का प्रोडक्ट होता है वो हमेशा उसका जो मेन कोर चीज होता है, मेन जो थीम होता है, जैसे ये जो इंस्ट्रूमेंट, ये जो मेरा यहाँ पे दिखाया गया है जीरोटोर पंप का जो कंपोनेंट डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है? तो ये इस कंपनी का प्रिपरेशन, इस कंपनी का ड्राइंग है, इस कंपनी का ड्रेस, इस ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करके ऑटोकैड में या कैटिया में या एनसी में पहले ड्राइंग किया जाता है, उसके बाद इसको असेंबल करके देखा जाता है कि जो डायमेंशन के बेसिस में
सारा डिजाइन सारा ड्रॉइंग किया गया है, जो जो डायमेंशन मान के चलो ये जो मेरा गियर है राइट, यहाँ पे जो मेरा कपलिंग है, यहाँ पे जो मेरा गियर है, या यहाँ पे जो मेरा क्या बोलते हैं हैंडल है, यहाँ पे जो मेरा कन्वेयर टाइप का जो स्क्रू थ्रेड थ्रेड किया गया है, तो जो जो डायमेंशन के हिसाब से ड्रॉइंग किया गया है वही डायमेंशन के हिसाब से वो 2D ड्रॉइंग को बेसिकली 3D ड्रॉइंग में कन्वर्ट किया जाता है। एंड आफ्टर कन्वर्टिंग द 3D वी आर कैलकुलेटिंग द लोड कि हर एक कॉम्पोनेंट मैक्सिमम कितना लोड कैरी कर सकता है, भले टेंशाइल लोड हो, कंप्रेसिव लोड हो, शियर लोड हो, इम्पैक्ट लोड हो, जिस कोई भी टाइप का लोड हो, हार्डनेस उसका कितना हो सकता है। अगर मैं उसको जब अगर मान लो वो ड्रॉइंग प्रिपेयर हो गया, अगर मैं सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन दिया रहता है आपको कौन सा मटेरियल का उसको प्रिपेयर करेंगे, मैं बोल दिया मैंने माइल्ड स्टील का बनाऊंगा, तो मेरे जो सॉफ्टवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को माइल्ड स्टील बना के दे देता है तुरंत, ठीक है, मतलब बेसिकली वो ड्रॉइंग है, डायग्राम है, डिजाइन है, बट वो माइल्ड स्टील का बना देता है, ऐसे करके बनाता है कि ताकि उसके ऊपर अभी जो भी हम लोड हम लोग अप्लाई करेंगे तो वो माइल्ड स्टील का प्रॉपर्टीज को देखते हुए वो ध्यान देता है कि मेरा ये कितना लोड एक्सेप्ट कर रहा है या कितना लोड के बाद ये फेलियर हो जाएगा। अगर हम लोग बोल दिए कि हम लोग माइल्ड स्टील से नहीं करेंगे स्टेनलेस स्टील से करेंगे तो स्टेनलेस स्टील का वो प्रिपेयर कर देगा और उसके बाद स्टेनलेस स्टील का प्रॉपर्टी स्टेनलेस स्टील का हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करके उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड होता है कि मैं वो कितना लोड के बाद वो टूट जाएगा या कितना लोड तक वो मैक्सिमम काम कर सकता है। तो इस तरीके से एक R&D सेक्शन में काम होता है, ठीक है। टुडे निकल्स पोर्टलैंड ओन्ड बाय द पार्कर हैनिफन कॉर्पोरेशन produces the largest selection of standard geometry gerouters worldwide. So, ye actually gear pump ka actual view. Okay, so abhi itna der tak hum log gerouter pump dekhe, abhi hum log dekhenge piston pump working animation. ये सारा चीज हम लोग देख लिए हो, फिर भी और एक बार देख लो कि कैसे काम करता है पिस्टन पंप। पहले पंप का असेंबल डिसेंबल कर रहा है यहाँ पे, देखो ये जो है मेरा स्वास प्लेट है जो मेरा एंगल में रखा गया है, ये मेरा शाफ्ट है और ये मेरा स्वास प्लेट है जो एंगल में दिया गया है। तो अभी देखो यहाँ पे जो ब्लू कलर में निकल रहा है ना, ब्लू कलर में जो जा रहा है वो मेरे इनलेट पोर्ट्स के अंदर से थ्रू से जा रहा है और जो मेरा पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है, पिस्टन का मूवमेंट पिस्टन सब जो है वो सुअस प्लेट के ऊपर और पिस्टन शू के द्वारा असेंबल किया गया है।
तो जब मेरा सक्शन क्रिएट हो रहा है तो इनलेट पोर्ट से मेरा जो इनलेट पोर्ट जो है वो मैंने पहले ही बताया था किडनी टाइप ऑफ शेप में होता है, तो इनलेट पोर्ट से मेरा फ्लूइड अंदर में एंट्री कर रहा है और जो डिस्चार्ज पोर्ट से वो प्रेशर गेन करके और वेलोसिटी गेन करके वो डिस्चार्ज पोर्ट से वो बाहर निकल जा रहा है। देखो ये वीडियो तो विकास तुमने सेंड कर दिया ना? यस सर। ओके देखो ये मेरा स्वास प्लेट है जो मेरा एंगल में है ना, ये मेरा स्वास प्लेट है और जो येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है वो मेरा पिस्टन शू है और ये ब्लू कलर में जो एंट्री हो रहा है वो इनलेट पोर्ट है और जो रेड कलर में जो मेरा आउटलेट दिखाया गया है वो मेरा डिस्चार्ज पोर्ट है ना। इस वीडियो में साउंड नहीं है दुर्गेश, दिखा रहे और एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें साउंड रहेगा। क्लास खत्म हो जाएगा तो तुरंत ज्वाइन कर लेना, क्लास खत्म हो जाएगा तो तुरंत ज्वाइन कर लेना। सो ये था मेरा पिस्टन पंप राइट, तो पिस्टन पंप का और एक हम लोग वीडियो देखेंगे। अभी मेरा ये क्लास तो खत्म हो जाएगा तो हम लोग अभी फिर से जब ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअल पिस्टन पंप किस तरीके से काम करता है। ओके सो क्लास जब भी खत्म हो जाएगा तुरंत ज्वाइन कर लो। का जो मेरा एक्सिस शेफ का एक्सिस के साथ जो मेरा पिस्टन, यहाँ पे जो पिस्टन दिखाई दे रहा है जो मेरा पिस्टन शू के साथ अटैच्ड हुआ है राइट, तो मेन शेफ का जो एक्सिस है और वो पिस्टन का एक्सिस एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं है, तो ये मेरा है बेंट एक्सिस पिस्टन पंप। ध्यान देंगे कि किस तरीके से ये पिस्टन पंप वर्कआउट कर रहा है। Has a number of pistons in a circular array within a cylinder block. There are two designs are most relevant, the swash plate configuration and the bent axis configuration. In both cases, the angle the swash plate or the bent axis mechanism determines the effective stroke of the piston. Bent axis pumps design. In a bent axis piston pump, the cylinder block turns with the shaft but at an offset angle. The piston rods are attached to the drive shaft flange by ball joints. Most bent axis piston pumps consist of a few basic components. Port plate, spherical siding surface, drive flange, drive shaft, shaft seal, flange, retaining rings, housing, bearing, piston, axis, cylinder block. The bent axis mechanism is a pumping machine, the displacement pistons of which are arranged at an angle to the drive shaft axis. As the drive shaft rotates, the cylinder block is caused to rotate by the pistons. The pistons move up and down within the cylinder block bores. The length of stroke is dependent on the angle of the bent axis. Fluid is fed to the low pressure, then, as the pistons moves, delivered into the high pressure port. Swashplate piston pump design. Most swashplate piston pumps consist of a few basic components. Flange, shaft seal, bearing, swashplate, drive shaft, piston, cylinder block, housing, port plate. The swashplate mechanism is a displacement mechanism, the displacement pistons of which are arranged axial to the drive shaft. The reaction force of the pistons is carried by the swashplate. As the drive shaft rotates, the cylinder block is driven by means of spline. The pistons move up and down within the cylinder block bores.
This movement is dependent on the angle to the swash plate. Fluid is fed to the pump via the low-pressure side, then as the pistons moves, delivered into high-pressure line. So, अभी एक और एक वीडियो देखेंगे हम लोग, जिसका नाम है, देखो, how does the hydraulic press work? तो ये एक application है, इस application किस तरीके से काम कर रहा है, including the hydraulic system, including the hydraulic components, ये किस तरीके से काम करता है, वो हम लोग अभी study करेंगे, okay? देखो यहाँ पहला तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल गियर पंप यूज किया गया है, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे एक एक्सटर्नल गियर पंप यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है कि एक प्रेशर रेगुलेटिंग बल्ब यूज किया है, मुझे लगता नहीं, ऑब्वियसली एक प्रेशर रेगुलेटिंग बल्ब यूज किया गया है। और अभी हम लोग देखेंगे कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे मुझे ये जो मेरा दिया गया है, ये मेरा प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, राइट, प्रेशर गेज है कि कितना प्रेशर का फ्लूइड मेरा पास कर रहा है। और ये जो मेरा दिया गया है, ये मेरा डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व डीसीवी दिया गया है। डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का काम क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। डीसीवी का काम है कि फ्लूइड को कौन सा डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जब फ्लूइड आगे के मतलब जब मान लो मेरा ये हाइड्रोलिक प्रेस है, राइट, ये मेरा हाइड्रोलिक प्रेस का एप्लीकेशन है। तो हाइड्रोलिक प्रेस जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, उसके लिए फ्लूइड का मूवमेंट एक टाइप होगा, और जब ये हाइड्रोलिक प्रेस अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, उसके लिए फ्लूइड का मूवमेंट अलग मतलब दूसरा टाइप का होगा। तो वो मूवमेंट को डिसाइड करने के लिए, वो मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो वाल्व को यूज करते हैं, उसका नाम है डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, ठीक है। सो प्लीज देखो एनिमेशन। अ हाइड्रोलिक प्रेस इज अ डिवाइस यूजिंग अ हाइड्रोलिक सिलेंडर टू जनरेट अ कंप्रेसिव फोर्स। द हाइड्रोलिक प्रेस डिपेंड्स ऑन पास्कल्स प्रिंसिपल। This example will demonstrate how the Pascal's principle may be used. When force F1 acts on area S1, a pressure is given by. Pressure acts at every point in the system, which includes surface S2. The attainable force F2 is given by. The basic principle in hydraulic is Pascal's law, the effect of a force acting on a stationary liquid spreads in all directions within the liquid. The forces are in the same ratio as the areas. The forces. ये जो concept बताया जा रहा है, ये concept Pascal's law में है, fourth fluid mechanics, fourth semester, second chapter, जहाँ पे बताया गया था कि Pascal's law में बोला जाता है कि in a fluid the pressure is acting on a fluid in a various direction will be the same. मतलब कोई object अगर fluid के अंदर है, right? तो वो fluid object के ऊपर various directions से, right, horizontal, vertical, inclined, various directions से जो भी pressure apply होता है, that pressure will be the equal, means P1 equals to P2 equals to P3. तो यहाँ पे वही दिखाया गया है, जो मेरा pressure है, वो pressure P1 equals to P2, जो left side जो plunger है, और right side में जो plunger है, left side का plunger के ऊपर giving pressure, जो वही pressure generate होके यहाँ पे जो force create कर रहा है, ये जितना displacement करेगा, ये उससे कम displacement करेगा, लेकिन जो pressure generate होगा, वो pressure same generate होगा, ठीक है। ये Pascal's law है। F1 and F2 vary proportion to the areas of the pistons. The displacements L1 and L2 of the piston vary inverse proportion to the areas. The check valves 1 and 2 are valves that normally pass fluid through it in only one direction. यहाँ पे दो check valve use किया गया है, देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है या 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे दो check valve use किया गया है। check valve क्या करता है, check valve basically fluid को pass करने देता है या तो नहीं pass करने देगा। It's just like जो हम लोग का tap होता है ना घर में, घर का टैप को अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो क्या होता है कि टैप से पानी फ्लो होता है, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो टैप में पानी बंद हो जाता है। तो ये चेक वाल्व का काम क्या है, ये चेक वाल्व जो लिक्विड स्काई कलर में जो लिक्विड यहाँ पे शो किया गया है, वो लिक्विड को पास करने देगा या तो नहीं पास करने देगा। तो ये दोनों ऑपरेशन ये दो चेक वाल्व करता है। How does the hydraulic press work? Hydraulic pump is driven by electric motor.
pump sucks fluid from tank and pushes it into the lines of the hydraulic circuit through various hydraulic devices up to the hydraulic cylinder. The direction of movement of the piston in the hydraulic cylinder is controlled via directional valve. This is directional. Hydraulic cylinder at the end of the line represents a resistance to flow. Pressure therefore increases. This is the actuator part. So, mera niche ki taraf aa raha hai na? This is the actuator part. Ye jo mera hai, actuator chamber hai. Aur ye jo mera hai, wo actuator ke andar jo piston rehta hai, wo piston hai. Right? So, jab external gear pump yahan pe rotate kar raha hai, to wo kya kar raha hai? Fluid ko ye chamber, I mean oil chamber se suck karke wo blue color ka line mein wo pass kar raha hai. राइट ब्लू कलर का लाइन में पास करने के टाइम पे मुझे उसका प्रेशर मेजरमेंट करना पड़ रहा है तो प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे और एक चैनल पास कर दिया प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए मैंने और एक यहाँ पे चैनल पास कर दिया उसके साथ मैंने प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व को ऐड कर दिया जब मेरा फ्लूइड एक्सटर्नल पंप से यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है तो यहाँ पे प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व यहाँ पे जब फ्लूइड पास करेगा प्रेशर गेज का मैंने तुम लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाया था मैकेनिकल गेजेस यूज होता है बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज तो वो बॉर्डन ट्यूब यहाँ पे प्रेशर गेज रखा गया है जब फ्लूइड यहाँ पे पास करेगा वो ऊपर की तरफ जाके यहाँ पे आई मीन रीडिंग शो करेगा तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा जो फ्लूइड अंदर की तरफ एंट्री करने जा रहा है हाइड्रोलिक प्रेस में तो उसका प्रेशर कितना है वो प्रेशर मैं यहाँ पे जान गया अगर वो प्रेशर ज्यादा है इनकेस अगर वो प्रेशर ज्यादा है तो मैं ये प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व को अप्लाई करके उस फ्लूइड का प्रेशर को मैं रिड्यूस करके उसके बाद मैं यहाँ से भेज सकता हूँ और अगर वो फ्लूइड का प्रेशर कम है तो मैं यहाँ पे डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट नहीं करूंगा ताकि मेरा फ्लूइड यहाँ पे नहीं जाए क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड जब जाएगा तो वो पिस्टन को नीचे की तरफ ठेल नहीं पाएगा तो इसीलिए जो मेरा रिक्वायरमेंट प्रेशर है सिस्टम का वो सिस्टम का रिक्वायरमेंट प्रेशर के लिए आई मीन रिक्वायरमेंट प्रेशर सिस्टम का जो है वो रिक्वायरमेंट प्रेशर गेन करने के लिए हम लोग ये प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व को यूज करते हैं जो कमिंग क्लासेस में मैं समझाऊंगा और यहाँ पे मैं डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व को यूज करता हूँ ताकि वो फ्लूइड को कौन सा डायरेक्शन में फ्लो करवाएगा वो ये डीसीवी करवाता है ठीक है सो नाउ लेट्स सी द वीडियो Presses until it is in a position to overcome this resistance, until the piston in the cylinder moves, so that the hydraulic circuit is protected from excess pressures and hence from overloading. The maximum pressure must be limited. This is achieved using a pressure relief valve. The flow still delivered by the pump flows via pressure relief valve directly back to the tank. The pressure at this moment is maximum. The direction of movement of the piston in the cylinder is controlled via directional valve. जब मेरा यहाँ पे maximum piston जब maximum load पे आ गया maximum displacement तक पहुंच गया है तब उस time maximum pressure था ये जो indicator था ये देखे थे तुम लोग इस position में था लेकिन जब वो maximum pressure reach कर गया तब directional control valve क्या करेगा उसका direction को rotate करेगा जो fluid मेरा यहाँ sorry जो फ्लूइड मेरा यहाँ पे एंट्री करके इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा था राइट वो फ्लूइड क्या करेगा वो फ्लूइड फिर यहाँ से वापस आ जाएगा देखो यहाँ से वो फ्लूइड वापस आ जाएगा वापस आने के बाद वो डायरेक्टली फिर से टैंक में अपना जो ऑयल टैंक में वो ऑयल टैंक में वापस आएगा तो डीसीवी क्या कर रहा है पिस्टन को फॉरवर्ड करने के लिए फ्लूइड को पास करवा रहा है फिर पिस्टन को जब बैकवर्ड मोशन देना है क्योंकि फ्लूइड जब यहां से निकलना शुरू करेगा तो ये पिस्टन ऑटोमेटिक क्योंकि यहां पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है पिस्टन ऑटोमेटिक अपना वापस पोजीशन में वापस जाएगा जब वो पोजीशन में वापस जाएगा तो डीसीवी और ये पिस्टन का बैकवर्ड थ्रस्ट की वजह से वो फ्लूइड क्या करेगा वो फ्लूइड यहाँ से आके यहाँ पे आएगा और उसके बाद वो डायरेक्ट ऑयल चेंबर में एंट्री कर जाएगा ओके सिलेंडर रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन Let's see how the hydraulic press works again. देखो देखो ये भी इंडिकेटर का पोजीशन देखो अभी इंडिकेटर का पोजीशन यहाँ पे मतलब इसका मतलब ये कि ये मेरा मैक्सिमम प्रेशर में अभी है जो पिस्टन है इसका मैक्सिमम प्रेशर में आ गया तो इसका इंडिकेटर का पोजीशन देखो
अब इसके बाद फिर जब वो रिलीज करना शुरू करेगा, डीसीबी जब रिलीज करना शुरू करेगा फ्लूइड को ऑयल चेंबर की तरफ, तब ये पिस्टन का जो प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो दिखाएगा कि इंडिकेटर वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके तो अभी हम लोग देखेंगे, हम लोग का जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है वो है स्क्रू पंप। स्क्रू पंप का वर्किंग प्रिंसिपल अभी हम लोग देखेंगे। सबसे अच्छा ये था, देखो यहाँ पे दोनों स्क्रू का जो थ्रेड के बीच जो फ्लूइड मैंने ट्रैप हो रहा है, इनलेट पोर्ट से आके वो दोनों थ्रेड के बीच ट्रैप हो रहा है, और उसके बाद वो कंटिन्यूअस रोटरी मोशन के वजह से, राइट, जो स्प्रिंग जो रोटरी मोशन हो रहा है कंटिन्यूअस, उसके वजह से जो फ्लूइड मैंने ट्रैप होता है उसके अंदर प्रेशर जनरेट होता है, वेलोसिटी जनरेट होता है, और वो डिस्चार्ज पोर्ट से निकल जाता है, आउटलेट में चल जाता है। So this is the working animation of the screw pump. Okay. तो अभी और एक चीज जो बचा हुआ है जो अभी हम तुम लोगों को दिखाएंगे मूडल में, ये जो स्क्रीन तुम लोगों के सामने दिखाई दे रहा है क्लियरली, ये स्क्रीन क्लियरली दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Okay. So देखो यहाँ पे एक मेरा नोट्स है, थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, फिर WhatsApp ग्रुप में भी मैं दे दूंगा। So this is the pump symbol. दिखाई दे रहा है MS Word? What file दिखाई दे रहा है clearly? What file clearly दिखाई दे रहा है? Yes sir. Okay. So this is the pump symbol of the hydraulic pump symbol. Centrifugal pump के लिए हम लोग क्या use करते हैं symbol? Centrifugal pump fourth semester में पढ़ाए थे. Reciprocating pump fourth semester में पढ़ा दिए थे. Sixth semester में बाकी जो pumps वगैरह पढ़े वो देख लिए. अभी centrifugal pump के लिए किस तरीके का symbol use किया जाता है? डायफ्राम पंप के लिए, जो तुम लोग का सिलेबस में नहीं है लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे दे दिया, डायफ्राम पंप के लिए किस तरीके का सिंबल है? ये मेरा गियर पंप का सिंबल है, जहां पे ये जो दो सर्कल दिखाया गया है ये दो सर्कल मेरा गियर को शो कर रहा है। ये मेरा जनरल पंप है जो मेरा टुलू पंप है, राइट, वो टुलू पंप का सिंबल ये है जनरल जो पंप है। हेलिकल रोटरी, रोटरी पंप के लिए हम लोग ये सिंबल शो करेंगे। जेट पंप होता है जो तुम्हारा सिलेबस में नहीं है लेकिन जेट पंप के लिए ये शो होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप, स्क्रू पंप, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का, ये भी सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक सिंबल है। उसके बाद ये लोब पंप का सिंबल है, लोब पंप का सिंबल है। ये मेरा गियर पंप का सिंबल है। उसके बाद स्क्रू पंप का सिंबल हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं। सबमर्सिबल पंप का जो सिंबल होता है वो ठीक कुछ इस तरीके का होता है। तो ये वेरियस पंप सिंबल शो किया गया, लेकिन सेमिस्टर क्वेश्चन में कभी उस तरीके से पूछता नहीं है कि सिंबल क्या होगा, लेकिन ये फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मतलब जानना जरूरी है कि कौन सा पंप का सिंबल क्या है, क्योंकि इतना सिंबल याद रखना पॉसिबल नहीं है। मोटर का सिंबल होता है, पंप का सिंबल होता है, एक्चुएटर का सिंबल होता है, डीसीबी का सिंबल होता है, पीआरवी का सिंबल होता है, एफसीबी का सिंबल होता है। न्यूमेटिक में जाओगे न्यूमेटिक का भी सिंबल होता है। अभी हम लोग हाइड्रोलिक पर, इसके बाद जब हम लोग न्यूमेटिक में जाएंगे तो न्यूमेटिक का भी सिंबल होता है। तो बेसिकली अगर हाइड्रोलिक पार्ट इस सब्जेक्ट का
सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर हाइड्रोलिक पंप तुम लोग अगर समझ में आ जाएगा या हाइड्रोलिक पार्ट अगर समझ में आ जाएगा फ्लूइड का, तो तुम लोग को न्यूमेटिक में कोई असुविधा नहीं होगा। सिर्फ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है, बाकी हाइड्रोलिक का जो वर्किंग प्रिंसिपल, पंप्स का वर्किंग प्रिंसिपल होता है, न्यूमेटिक पंप का भी सेम वर्किंग प्रिंसिपल होता है, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट रहता है, बिकॉज इट्स अ हाइड्रोलिक लिक्विड पास करेगा और एक में होता है न्यूमेटिक जिसमें एयर पास करेगा, इसलिए कंस्ट्रक्शन में डिजाइन कंस्ट्रक्शन में थोड़ा डिफरेंट रहता है, लेकिन बाकी कोई डिफरेंट नहीं रहता। इसलिए हमेशा हाइड्रोलिक जो पार्ट है उसमें बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए, हाइड्रोलिक को अच्छे से फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर हाइड्रोलिक पढ़ोगे तो हाइड्रोलिक में तुम लोगों का सिलेबस में इंट्रोडक्शन टू ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक सर्किट। अगर तुम न्यूमेटिक में जाओगे सेम इंट्रोडक्शन टू न्यूमेटिक सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम एंड न्यूमेटिक सर्किट, राइट। तो अगर हाइड्रोलिक पार्ट अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो न्यूमेटिक सर्किट, न्यूमेटिक पार्ट में तुम लोगों को असुविधा नहीं होगा। सो दिस आर द सिंबल्स ऑफ द हाइड्रोलिक पंप, एंड आफ्टर क्लास आई विल गिव दिस लाइव क्लास वीडियो इन द व्हाट्सएप ग्रुप, एंड ऑल्सो this hydraulic pump symbols I will share to the WhatsApp group. So any students have any question regarding the class? Any students have any question regarding the class? किसी को कोई question है? Yes or no? Any question? Any doubt? No sir. No sir. Okay. बाकी students Sonu, Masoom, Lucky? No sir. Okay. बोलो कोई कुछ पूछ रहा था? कोई कुछ पूछ रहे थे क्या? मोहित पूछ रहा था सर। हाँ मोहित पूछ रहा था सर। मोहित मोहित पूछो। नो सर, नो सर कुछ नहीं पूछे। ठीक है, ओके। जो असाइनमेंट दिया गया है इंडस्ट्रियल फ्लूइड पार्ट का, जो असाइनमेंट दिया गया है, देखो यहाँ पे असाइनमेंट का दिया हुआ है लिंक, एक सेकंड दिखा रहे हैं। आ गया कहाँ गया? ओके, दिस इज द इंडस्ट्रियल फ्लूइड पार्ट असाइनमेंट वन। यहाँ पे असाइनमेंट वन का लिंक दिया हुआ है, क्वेश्चन ऑलरेडी दिया गया है इसका। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट है 15 जून, मतलब ट्यूजडे को, ठीक है। तो कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ऑलरेडी दो बंदा सबमिट भी कर दिया है, ठीक है, दो बंदा ऑलरेडी सबमिट कर दिया है, तो क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। तुम लोग जब सबमिट करते हो कैसे मुझे दिखता है ये देख लो, तुम लोग भी देख लो कि सर मैं कैसे देखता हूँ, दिखा मतलब देख पाता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे बाकी सब स्टूडेंट्स नो सबमिशन दिया गया है, लेकिन दिनेश कुमार भगत ये मेरा सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग शो कर रहा है, ठीक है, और प्रीत कुमार सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग शो कर रहा है, ठीक है। अब देखो मैं ग्रेड कैसे दे सकता हूँ, ये जो मान लो ये जो मेरा दिया हुआ है पीडीएफ फाइल, ये पीडीएफ फाइल को मैं क्लिक करूंगा, ये पीडीएफ फाइल को क्लिक करूंगा, क्लिक करके मैं देख सकता हूँ क्या है क्या नहीं दिया है, ठीक है। मैं अगर देख लूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा वो क्या सही ढंग से लिखा है कि नहीं। मैं इसको क्लिक करूंगा, उसका मार्क्स बैठाऊंगा, ग्रेड क्लिक करूंगा, मेरा यहाँ पे उसके उसके पास मार्क्स पहुंच जाएगा ऑटोमेटिक, उसका जो इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर में नोटिफिकेशन में पहुंच जाएगा कि उसको इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर असाइनमेंट में कितना मिला है। सो 15 तारीख के अंदर ये असाइनमेंट वाला पार्ट को कंप्लीट करो, क्योंकि सेकेंड असाइनमेंट मैं नेक्स्ट वीक में फिर से दे दूंगा, ओके। सो कोई स्टूडेंट कोई पोस्ट डाउट नहीं है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास। फ्रॉम मंडे वी विल अगेन स्टार्ट डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, ओके। So thank you everyone. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir.